भविष्य मालिका पुराण ये एक ऐसी किताब है जो कि आज से 600 साल पहले कोरोना वायरस के महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आए जापान के अर्थक्वेक के बारे में बता चुका था और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा उसके बारे में भी बताता है। आने वाले भूकंप के बारे में भी बताता है जो कि इतना इंटेंस होगा कि कई पहाड़े नदियां बन जाएगी और नदी पहाड़ बन जाएंगे। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। ये किताब भविष्य बताती है कि दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। भविष्य मालिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। नाउ जरूरी बात ये है कि भविष्य मालिका और जितने भी पुराण हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है, उनका मैसेज सही है, उनका टीचिंग सही है, उनका हिंट सही है, उनका वार्निंग सही है, इस किताब का इनडायरेक्ट सिग्नल सही है, लेकिन गलत ये हो रहा है कि इस पुराण को गलत तरह से ट्रांसलेट करके कुछ नई चीजों को खुद से ऐड करके अभी के टाइम पर फैलाया जा रहा है। तो आखिर कहां से आया ये किताब? ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाया। आज से 600 साल पहले 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। कहा जाता था कि इनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि ये भूत वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से आभास कर पाते थे और दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था। योगा, तंत्र, आयुर्वेद इन सब फील्ड्स में इनका इमेंस नॉलेज था और इन्होंने ही इस भविष्य मालिका किताब को लिखा था। इस किताब के पास हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से एक बहुत गहरे तरह से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग अब अंत होने वाला है। ये किताब पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। तो भविष्य मालिका आखिर क्या कहता है हमारे दुनिया के बारे में? कोरोना वायरस जगन्नाथ टेंपल के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का एक लिंक है। क्या है वो लिंक? भविष्य मालिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ टेंपल के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पवातः, ये जब भी उखड़ेगा किसी भी कारण से तो क्योंकि ये भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में है तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और ये लिखा गया था कि अगर ये पेड़ उखड़ा किसी भी कारण से तो दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। और हुआ ये कि ओडिशा में साल 2019 के अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसको 600 सालों तक कुछ नहीं हुआ था अप्रैल में वो टूट गया, उखड़ गया और ऐसी तरह से डैमेज हुआ जैसा 600 सालों में कभी नहीं हुआ था। और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिसने सच में लाखों लोगों की जान ले ली जिसका नाम था कोविड-19 और ये दुनिया के सबसे डेवास्टेटिंग महामारियों में से एक बना। दूसरा भविष्यवाणी है कलयुग का उम्र कम होना। कोरोना वायरस प्रेडिक्शन के बारे में तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि भविष्य मालिका कलयुग के बारे में क्या कहता है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो आपको ये पता चलेगा कि कलयुग का उम्र 432,000 साल है, पर भविष्य मालिका ने ये भविष्यवाणी किया कि जो कलयुग 432,000 साल का होने वाला था वो लोगों के पाप और दुष्कर्म के चलते मात्र 5,000 साल का ही रह जाएगा। अब भविष्य मालिका के तीसरे और सबसे भयंकर प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं, कलयुग का अंत। इस किताब के हिसाब से ऐसी कई चीजें होगी जो कि ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और आपको याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि भविष्य मालिका ये कहता है कि जगन्नाथ मंदिर ही अंत का संकेत देगा। और वो संकेत क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि साल 2019-20 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है, इन संकेतों के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। इस किताब को लिखे लगभग 600 साल बीत चुके हैं, इतने जनरेशंस आए और गए लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे पे आग लग गया हो। भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी कारण के चलते अगर मंदिर के झंडे में आग लग गया तो ये अंत का संकेत है। लोगों को लगा था कि ये आग लगना नामुमकिन है और 600 सालों तक ये सच भी हुआ, लोगों ने प्रोटेक्ट किया इसको, पर 26 मार्च 2020 को ये हो ही गया। जगन्नाथ टेंपल के झंडे में आग लग गया जब दीप को उसके पास ले जाया गया। दूसरा संकेत है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर
चिड़ियों का बैठना, ये भी लास्ट 3 सालों में बहुत बार देखा गया है। नॉर्मली चिड़िया कभी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी हुई नहीं दिखती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि उसके ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई हो, और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत करीब है और समुद्र से तेज हवा आती है, तो उस एल्टीट्यूड में ज्यादातर बर्ड्स एक जगह नहीं रुक पाती है हवा की रफ्तार के चलते। लेकिन भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है कि जब इंसान ये ऑब्जर्व करने लगेगा कि चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी है, जो कि आजकल देखा जा रहा है, तो ये एक संकेत होगा कि द एंड इज नियर। मे बी इसके पीछे भी कोई साइंस हो। धरती का विंड और पूरा ग्लोब का विंड सिस्टम धरती के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है, और जगन्नाथ मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ की विंड एक्टिविटी बहुत कुछ बताती है। क्योंकि यहाँ से आगे समुद्री समुद्र है, और इस मंदिर के लोकेशन से अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो बीच में कोई जमीन नहीं आता, और ये सीधा एंटार्क्टिका में जाकर मिलता है। भविष्य मालिका के हिसाब से 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, और साल 2024 के बाद सूरज के एक इंटेंस स्टॉर्म के चलते धरती का सैटेलाइट और इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, पूरी तरह से दुनिया में ब्लैक आउट हो जाएगा। विश्व युद्ध की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर युद्ध होगा जिसमें इमेंस डिस्ट्रक्शन होगा, एक ऐसी तबाही जो कि हजारों सालों में इंसानों ने कभी नहीं देखा। और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत पे हमला करेंगे, और इस वर्ल्ड वार में भारत की जीत होगी। लेकिन ये जो वर्ल्ड वार वाली बात है, इंडिया पे अटैक वाली बात है, और सूरज के वेव से सैटेलाइट के खराब होने की बात है, इन तीनों बातों का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये स्टेटमेंट बनाकर ऐड कर दिया गया है लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, या ये ओरिजिनली रिटेन था। ये अभी भी डिबेटेड है और अनवेरिफाइड है, क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट या फिर जो भी यंत्र हम बोले इससे रिलेटेड वर्ड उस समय नहीं एग्जिस्ट करता था, और देशों का नाम भी अलग था, कई देश एक साथ थे, इसलिए ये अभी भी डिबेटेड है। लेकिन जो वेरिफाइड है, जो संत अच्युतानंद दास ने सच में लिखा है, वो ये कि साल 2020 के बाद कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा। इस किताब में 3 बड़े भूकंप जो कि साल 2020 के बाद कभी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक ऐसा आएगा कि पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ के लेवल पे आ जाएगा, अर्थ का एक्सिस टिल्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, और ऐसे ही कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, क्या हम इस किताब को लिटरली लें कि हाँ सच में दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर ये इनडायरेक्ट टीचिंग का तरीका है, क्या ये इनडायरेक्ट अवेयरनेस की किताब है। देखो, ज्यादातर साधुओं का अभी भी यही मानना है कि विष्णु भगवान का कल्कि अवतार आने में अभी बहुत समय है, और कलयुग ओरिजिनली जो डिसाइडेड था 432,000 साल का ही होगा। भविष्य मालिका पुराण हमें सिर्फ ये बताती है कि इंसान तुम सुधर जाओ, धरती के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ध्यान दो, महामारियों के लिए पहले से ही तैयार रहो। इस किताब के चलते लोग दुनिया में आने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से ही ढूंढ के रखें, और दुनिया उन्नति करे, दुनिया में अच्छाई रहे, ये चाहता है ये पुराण, ना कि डर फैलाना। भविष्य मालिका प्रोबेबली संत अच्युतानंद दास का एक प्रयास था जिससे इंसान हमेशा पाप करने से डरे और सही राह पे चले। दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था, और दुनिया में किस एक्सटेंट से पाप बढ़ेगी इसका आभास पहले से ही संत अच्युतानंद दास को था, और ये कहना चाहते थे कि सावधान हो जाओ और आपस में ना लड़ो, नहीं तो दुनिया का अच्छा खासा भाग खत्म हो ही जाएगा। और आप इन रिसर्चेज में देख ही सकते हो कि इंसानों की हरकतें और पॉल्यूशन के चलते जो क्लाइमेटिक चेंज नामक आपदा ऑलरेडी आ चुकी है, ये क्लाइमेट चेंज भूकंप सुनामी और वोल्केनो को भी ट्रिगर करता है, और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज को लेके इतने सारे देश मीटिंग्स कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते धरती के सीजन्स डिसबैलेंस होने के चलते धरती का बर्फ गलने लगता है और समुद्र का वाटर वेट बढ़ने लगता है, जिससे धरती के अंदर सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और अर्थक्वेक्स ज्यादा मात्रा में आने लगती है। मतलब भूकंपों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं अगर इंसान धरती के इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखे, एक्सेस अति ना करे। तो असल बात ये है कि कलयुग के अंत में अभी 432,000 साल में से 426,875 साल
बचे हैं एज इन 2024। और विष्णु जी के कल्कि अवतार आने में अभी बहुत समय है। और जानने की बात यह है कि कलयुग का अंत आते आते गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों सूख चुके होंगे। अभी के समय में सरस्वती नदी लगभग सूख चुकी है, यमुना नदी की हालत खराब है, लेकिन गंगा नदी अभी भी अपने यंग फेज में है। अभी के समय गंगा एक एक्टिव नदी है जो कि आज भी अपने फुल फोर्स में है। और वक्त के साथ जब ये तीनों नदी सूख जाएंगे उसके बाद विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का जन्म होगा, और कल्कि अवतार के जन्म होने के बाद ही कलयुग का अंत होगा। इसलिए अभी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में आया कि जब से साल 2024 आया है तब से ये किताब काफी ट्रेंड में है, और जब लोग इन भविष्यवाणियों को सुन रहे हैं तो कई लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया इसी साल खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। किसी भी चीज के गहरे मतलब को समझना चाहिए, ना कि लिटरल मतलब को। अब जैसे अगर बागेश्वर बाबा कुछ बताते हैं तो हमें उसका गहरा मतलब जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो सीख वो देना चाहते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। अब वो सीख अगर मिस्टीरियस ढंग से दी जा रही है तो दी जा रही है, ये मैटर नहीं करता। लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, लोग सही राह पे आ रहे हैं, लोगों के अंदर आस्था बढ़ रही है, लोगों के अंदर सत्य प्रेम दया क्षमा आ रही है, ये मैटर करता है। भविष्य मालिका लिखा गया था ताकि लोग और जागरूक हो, गलत काम को छोड़ें, क्योंकि अगर इंसान में वायलेंस बढ़ा तो एनीवे सब खत्म हो जाएगा। संत अच्युतानंद दास ने सिर्फ भविष्य मालिका ही नहीं दिया था बल्कि पूरी दुनिया को अलग अलग फील्ड्स में बहुत कुछ सिखाया था। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा टीचिंग था वो था गॉड के बारे में, यानी भगवान के बारे में, कि आखिर भगवान क्या है। ये इस बात को कहते थे कि जो वर्ल्ड की अल्टीमेट एनर्जी है वो एक ही है, और वो है शून्य, यानी जीरो, वॉइड, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। सब कुछ इसी शून्य से आया है और सब कुछ शून्य में ही जाकर वापस मिलेगा। क्या आप शून्य को अनुभव करना चाहते हो तो मेरे साथ सोचो कि इस ब्रह्मांड का सब कुछ गायब हो गया है। आप गायब हो गए हो, आपका फोन गायब हो गया है, आपका रूम गायब हो गया है, पूरा प्लैनेट गायब हो गया है, सोलर सिस्टम गायब हो गया है, यूनिवर्स गायब हो गया है, आप नहीं हो, कुछ भी नहीं है, नॉट इवन स्पेस। ये स्पेस भी नहीं है। अब विरोधाभास ये है कि जब हम शून्य को सोचते हैं तो आप एक ब्लैकनेस को इमेजिन करते हो। वो ब्लैकनेस शून्य थोड़ी हुआ, नथिंगनेस थोड़ी हुआ, वो तो आप इमेजिन कर पा रहे हो। जिस चीज को आप इमेजिन कर पा रहे हो वो शून्य कहाँ से हुआ, वो तो एग्जिस्ट करता है, आप इमेजिन कर रहे हो। ये शून्य नहीं हुआ, ये ब्लैकनेस हुआ। पर शून्य मतलब उस कंप्लीट एम्प्टीनेस को भी एम्प्टी कर दो। जब कुछ नहीं बचता है तब वो शून्य बचता है जो हमेशा से था। ब्रह्मांड आएंगे ब्रह्मांड जाएंगे, पर ये शून्य हमेशा था, है और रहेगा। इंसानी दिमाग शून्य को इमेजिन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दिमाग का सोचने का एक दायरा है जिसके आगे वो नहीं निकल सकता। एक सामान्य इंसान नहीं निकल सकता, लेकिन साधु संत और मॉन्क्स अपने दिमाग को मेडिटेशन के जरिए इतना कैपेबल बनाते हैं कि ये ऐसी चीजों को अनुभव कर पाते हैं जो आम इंसान के ख्यालों में भी नहीं आ पाता, और जो इंसान के 5 सेंसेस से भी परे है। वैसे दुनिया खत्म होने की बात करें तो पास्ट में साल 2012 में भी ऐसी कुछ प्रेडिक्शन की गई थी। कहा जाता था कि मायन सभ्यता में ये लिखा हुआ है कि साल 2012 इस धरती का आखिरी साल होगा। इस पर कई मूवीज बने, न्यूज वाले TRP ले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भविष्य देखने की शक्ति पे थोड़ी बात करते हैं। आते हैं इस बात पे कि आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जैसे अफ्रीकन में ऐसे कई स्पेशल मिस्टीरियस ट्राइब्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्यूचर देख सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली। हजारों के तादाद में लोग उनके पास जाते हैं और उन्हें भर भर के डोनेशंस देते हैं, और वो लेते भी हैं, और इससे वो ट्राइब कमाता है और अपना घर चलाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के समय में कोई भी अगर आपको कहे कि वो भविष्य देख सकता है, यानी फ्यूचर देख सकता है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। संत अच्युतानंद दास और जितने पुराने सेंट्स थे इनके पास ऐसी सिद्धियां थी और इनको पता था सब कुछ, इसलिए उन्होंने अवेयर करने के लिए ऐसी किताबों को लिखा। लेकिन आज के समय अगर आपको कोई आज का इंसान कहे कि वो भविष्य देख सकता है तो ये झूठ है। अगर किसी के पास भविष्य देखने की ताकत आ जाए तो वो 1 महीने के अंदर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है,
और जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम का एक व्यापार होता है, वायदा कारोबार, जिसमें कॉल ऑप्शन नामक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लो निफ्टी 50 22,000 पे चल रहा है और आपको पता है कि अगले महीने निफ्टी 22,800 पे आ जाएगा, तो एक महीने में ही वो लिटरली अनलिमिटेड पैसा बना सकता है। एक स्टॉक या इंडेक्स की कीमत X से Y होने वाली है, 22,000 से 22,800 होने वाली है, ये किसी इंसान को पक्का पता है तो वो आज ही 22,800 का कॉल ऑप्शन खरीद लेगा सस्ते रेट्स में, और जब निफ्टी 22,800 पर पहुंच जाएगा तो वो सेल कर देगा। मान लो उसने 1,00,000 रुपए लगाया है तो वो 1,00,000 रुपए से 2,00,00,000 रुपए या उससे ज्यादा कमा लेगा, और क्योंकि वो इंसान भविष्यवाणी कर सकता है तो वो इसी चीज से लिटरली अनलिमिटेड पैसा छाप सकता है। फ्यूचर यानी भविष्य की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यही कि इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ उस ऑलमाइटी के सिवा। तो ये था आज का वीडियो। नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।